हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफ गार्डन या फिर देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो इंक्यूबेटर पे है कि इंक्यूबेटर कैसे बनाया जाए, इसकी सेटिंग वगैरह पे, इसके साइज वगैरह पे, इसके क्या रिजल्ट रहते हैं, क्या सेटिंग है, क्या टिप्स हैं, क्या कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कैसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, वो सब अंडर रोटेट वगैरह कैसे करने हैं, सब कुछ मैं इसमें वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन क्या करें, अभी सब पूरा टिप्स देना है तो लास्ट तक बनाएंगे। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो लास्ट तक वीडियो देखिए, नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, उसके लिए मेरा ये पहले वाला पुराने वाला इंक्यूबेटर है, तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, तो रिजल्ट देख के मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया हूँ। लगभग मैंने इसमें जो अनफर्टाइल एग को हटा दे तो 25 अंडे मान के चले इसके अंदर, 25 में से 21 में से अंडे में से बच्चे निकले हैं और 4 अंडे बच्चे बने थे जरूर, लेकिन उसमें डेड हो गए क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो लाइट चली गई थी और इन्वर्टर भी चार्ज नहीं था, उसके कारण 4 बच्चे डेड इनसेल हो गए। तो लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट मान के चलो आप 25 में से 25 ही आ गया था, क्योंकि बच्चा तो बन के रेडी हो गया था लेकिन लास्ट टाइम पे भर गया क्योंकि वो इंक्यूबेटर के थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए अभी इसका ही मैंने कंट्रोलर निकाल लिया है। अभी मैं इसकी क्या कर, इसका प्रॉब्लम ये था फ्रेंड्स, इसमें देखिए इसमें ये 100 वोट का बल्ब लगा हुआ है और ये छोटा 9 वाट का LED बल्ब लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक फैन वगैरह है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंट्रोलर है, तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, इसका नाम है W1209। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग मेरे को ये अच्छे वाली किट पड़ी है, ये 400 से शुरू हो जाती है, 300 में भी आ जाती है, लेकिन मेरे को ये लगभग 700 रुपये में पड़ा है। ये कंट्रोलर पड़ा है, कंट्रोलर के साथ में ये सेंसर आता है और ये चार्जर आया था साथ में और ये फैन आया था फ्रेंड्स, ये 700 रुपये में लिए थे मैंने। और फ्रेंड्स ये 100 वाट का था, तो मेरे को इन्वर्टर में चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि 100 वाट का इतना इन्वर्टर अगर पूरा दिन लाइट नहीं आ पाए तो लोड नहीं ले पाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये 15 वाट के बल्ब लिए फ्रेंड्स, आपको दिखा देता हूँ। ये बल्ब है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये मार्केट से लेके आया हूँ, ये 15 वोट के AC बल्ब है फ्रेंड्स, DC नहीं है, AC बल्ब है, नाइट लैम्प के बल्ब बोल के लोगे तो आपको मिल जाएंगे। और आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट लैम्प वाला बल्ब है, चूड़िया है इसके नीचे, स्क्रू के टाइप में है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 250 वोल्ट का है और 15 वोट। तो अभी मैंने इसमें एक ही लगाया है और एक से ही देखिए टेम्परेचर कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेम्परेचर 31.5 हो गया है, 6 हो गया है और रियल टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है। और ये देखिए, आपको एक किन्ना हो तो इसमें भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 15 डिग्री है, लगभग इसमें 14 दिखा रहा है, 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, वो ऐसे ही आ रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया है कि इसमें ये है, तो इसके लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ। तो ये बल्ब देखिए, ये मैंने बल्ब को आयरन से मतलब शोल्डर से आप बोल सकते हैं उनसे मैंने इसको जोड़ लिया है। ये देखिए, एक इधर वायर लगा दिया है, एक इधर नीचे वायर लगा दिया है और इसको अच्छे से वायरिंग से बांध दिया है, लोहे के आयरन वायर से बांध दिया ताकि ये हिले नहीं, टूटे नहीं। तो अभी हम इसको अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, लटका सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लगभग मैं एक से भी काम चल जाता फ्रेंड्स, लेकिन एक से अगर बार बार खोलेंगे बंद करेंगे ना तो टेम्परेचर को वहां तक पहुंचने में बहुत काफी टाइम लग रहा है। मैं देखना नोट किया मैंने, 5 मिनट तक ले लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों बल्ब निकाल दिए, ऊपर से वायरिंग निकाल दी है, फैन भी लगा दिया है, जो पहले वाले इंक्यूबेटर में लगाया था उसी तरह से वायर से लगाया है, ऊपर जगह रखी है थोड़ी सी 1 इंच के आसपास और लगभग 4-5 इंच नीचे की साइड में मैंने ये बल्ब लटका दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये दोनों बल्ब के वायर हैं, मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं लगभग 3-3 इंच के साइज़ के, ताकि ये कंट्रोलर तक आराम से पहुंच पाए। तो इन दोनों बल्ब के वायर को मैं दोनों को एक वायर को अटैच कर रहा हूँ, और इन दोनों वायर को अटैच कर रहा हूँ। दोनों का एक एक बल्ब का एक एक वायर एक दूसरे से अटैच कर देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में डलेंगे, जो स्विच बोर्ड में डलेंगे उस साइड से। तो इसको एक तो इस बल्ब के साथ में कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स, और एक इधर कनेक्ट कर देंगे K1 में। K1 आपको दिख रहा है, ये 2 नंबर वाला पोर्ट, ये देखिए K1 में है। तो इसमें एक इसको पोर्ट इसमें कनेक्ट, एक इसमें कनेक्ट कर देंगे और एक इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये बल्ब का कनेक्शन करना सीख लिया है। एक K0 में, एक K1 में होगा। K0 में एक बल्ब का होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट बल्ब वाले वायर में जुड़ जाएगी। और दूसरा फ्रेंड्स, ये अभी फैन का कनेक्शन करेंगे। तो फैन का कनेक्शन के लिए आप जो चार्जर है, ये चार्जर है, चार्जर 12 वोल्ट का ही लेना है, 2 एम्पीयर का। तो अभी जो डायरेक्ट चार्जर में ही कनेक्ट होता है फैन फ्रेंड्स, फैन का कोई कटआउट वगैरह नहीं होता है। तो रेड वाले में रेड और ब्लैक वाले में ब्लैक लगा देंगे, मतलब प्लस और माइनस का होता है, रेड प्लस का होता है, ब्लैक माइनस का। तो दोनों कनेक्ट कर देंगे, और ये दोनों कनेक्ट करने के बाद में ये दोनों एक साथ में इधर लगा देंगे। जो 12 वोल्ट प्लस लिखा हुआ है, इसमें रेड वाला लगाना है मतलब प्लस का, और इसमें माइनस का लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए स्विच ऑन हो गया है। स्विच ऑन होते ही अंदर का एक बार व्यू दिखा देता हूँ आपको लोगों को। ये दोनों बल्ब ऑन हो चुके हैं, फैन भी चलना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए, और मैंने इसमें 4 छेद बनाए हैं फ्रेंड्स। देखिए इस साइड में 4 बना दिए हैं, आप देख सकते हैं दूर से, और उस साइड में भी 4 होल कर दिए हैं, ये देखिए। तो इस साइड और उस साइड, लंबे वाली साइड मैंने 4 4 होल कर दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंक्यूबेटर अच्छे से काम कर रहा है, सही हीटिंग बन रही है, सब कुछ सही हो रहा है। 37.5 टेम्परेचर हो चुका है, और अभी 30.7 पे सेट किया है मैंने। तो देखिए 30.7 पे सेट, टेम्परेचर टच होते ही ये बंद हो चुका है। अभी ये 32 तक जाते ही फिर से ऑन हो जाएगा। तो 2 सेकेंड के लिए देखते हैं हम, देख लीजिए आप, लगभग 37 पॉइंट, ये 2 से डाउन आ गया 1 पे, और 1 होते ही ये फिर से इसका बल्ब ऑन हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसकी सेटिंग बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको। तो सेटिंग के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, पहले तो ये वाला बटन दबा के रखना है, ये सेट वाला बटन है, तो आप ये दबा के रखेंगे। ऐसे दबा के रखने से ये टेम्परेचर मांगेगा कितने पे सेट करना है आपको। तो लगभग ये 37.7 पे सेट है, मैंने 30.7 पे सेट कर दिया था, सेट है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप कम ज़्यादा करना हो तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये दबा के रखिए, इससे बढ़ेगा और इससे कम होगा। 37.7 पे मैंने सेट कर दिया है, फिर से इसको दबा के रखिए फ्रेंड्स, काफी देर तक दबा के रखना है थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, P0 आ गया, लिख के P0 आ गया। P0 के बाद में हाँ, इसको अच पे P0 को दबा के, सॉरी ये देखिए P0 है, P0 को एक बार फिर से दबाएंगे तो ये C पे होगा फ्रेंड्स। देखिए C पे होगा, C का मतलब कोल्ड में सेट हो जाएगा, लेकिन कोल्ड पे नहीं, ये अच पे सेट करना है, ताकि हमको हाई पे चाहिए, मतलब 37.7 टच करते ही बंद हो जाए। तो यह अच पे सेट है फ्रेंड्स। और फिर अगला देखिए, P1 पे आते हैं हम। P1 पे सेट है फ्रेंड्स, 0.5 डिग्री पे सेट है, आप देख सकते हैं। तो ये सेट करना है, बाकी और हम किसी से कुछ नहीं लेना देना, बस 3 4 सेटिंग ही करनी है हमको। और इसको दबा के फिर से रखना है, और ये फिर से वहीं पे सेट हो जाएगा 37.7। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस इंक्यूबेटर में ये बल्ब लगा दिया है, LED का इंस्टॉल कर दिया है, और कुछ नहीं किया है। अभी आप सबके सामने करता हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम न्यूज़पेपर ले लेंगे, इसको इसमें नीचे से अच्छे से सेट कर देंगे। और न्यूज़पेपर सेट करने के बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए, ये किराना के स्टोर में आपको डब्बे मिल जाएंगे। तो लगभग ये 6 से 7 इंच की हाइट पे से ऊपर से काट दीजिए इसको। ये मैंने 2 डब्बे ले लिए हैं, और एक ये पैकिंग वाला डब्बा है, जो जिसमें खाना पैक होके आता है, वो वाला डब्बा है। तो लगभग 5 इंच हाइट है इसकी, ताकि इसके अंदर बच्चे गिरे नहीं। तो अभी इन डब्बों को क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनमें हल्का, जब इंक्यूबेटर का पहला दिन हो तो ये याद रखिए, स्टार्टिंग में आपको ठंडा पानी नहीं रखना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको हल्का गुनगुना पानी रखना है, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का पानी रखिए इसके अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और मैं ये अंडे ले आया हूँ, ये लगभग मैंने इसमें मार्किंग कर दी है,
तो ये इधर वाले प्योर देसी के अंडे हैं, उधर वाले असील प्लस देसी की मिक्सिंग के अंडे हैं। 12 अंडे रख रहा हूँ उसके अंदर मैं, और ये मेरा सैनिटाइजर है, तो पहले अंडों को सैनिटाइज कर लेंगे और साथ में ही हम इंक्यूबेटर को भी सैनिटाइज कर लेंगे। और फिर इन दो ही कंटेनर, पहली बार में हम ये सिर्फ दो ही कंटेनर रखेंगे फ्रेंड्स, ये दो कंटेनर रखेंगे फ्रेंड्स। दोनों कंटेनर को हम पीछे की साइड रख देंगे, तो मैं आपको रख के दिखाता हूँ। उसमें हल्का गुनगुना पानी डाल लेते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सेट कर लेता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इंक्यूबेटर बनके पूरी तरह से तैयार है, रेडी है, और मैंने इसमें सब अंडे लगाने बाकी हैं, क्योंकि मैंने अभी लगभग इसको अभी ऑन किया है। तो देखिए अभी टेम्परेचर इसका 12.6 है, तो 12.5 12.6 ऐसे कर रहा है, 7 अभी तक जा रहा है, अभी धीरे धीरे करके चढ़ेगा ऊपर, तो क्योंकि इसमें छोटे बल्ब लगे हैं तो धीरे धीरे चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एलईडी है और ये दो छोटे बल्ब है, तो मैंने इधर पानी रख दिया है गर्म पानी, तो आप देख सकते हैं कि अंदर टेम्परेचर लगभग 12.8 तक जा चुका है, तो ह्यूमिडिटी 99 हो चुकी है। थोड़ा कंट्रोलर में प्रॉब्लम है शायद, मैं इसको एक बार बंद करके चालू कर दूंगा, और नीचे न्यूज़पेपर वगैरह लगा दिया है, और थोड़ा मैं थोड़ा कंट्रोलर को सेट कर देता हूँ फ्रेंड्स, चेक कर लेता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको चेक करता हूँ मैं फ्रेंड्स, गर्म पानी में इसका सेंसर डिप करके देखते हैं क्या दिखा। ओ सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे बिग मिस्टेक यही है कि मैं सोच भी रहा था कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, तो सेंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि इसका सेंसर ही बाहर रह गया है। आप देख सकते हैं उधर बाहर की साइड रख दिया है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो सेंसर को एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, अगर ये पानी में भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर ये पानी में जाएगा तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी में डिप होने से आपके अंडे लगभग ज़्यादा टेम्परेचर ये बनाएगा, तो आपके अंडे वगैरह खराब हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से रखिए, अंडों की हाइट पे रखिए टेम्परेचर के सेंसर को, और ह्यूमिडिटी लगभग 70 से 80% होनी चाहिए, और सेंटीग्रेड में बोले तो ये 37.7 पे सेट कीजिए, 37.2 तक, और फारेनहाइट में बोले तो 100 होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ह्यूमिडिटी लगभग 60 से 70 तक होनी चाहिए पहले 18 दिन, और 18 दिन के बाद में ये लगभग 85 से 90 तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी बनाने के लिए इसमें पानी बढ़ाना पड़ता है, गर्म पानी डालना पड़ता है। ये देखिए इसका लगभग रूम टेम्परेचर अभी 12.5 था, और सेंसर अंदर जाते ही दिखा रहा है 17 डिग्री हो चुका है अभी इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको लगभग 2 घंटे तक चलाऊंगा, इसका टेम्परेचर जब एडजस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से सेट हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर अंडे रख दूंगा और आपको दिखाऊंगा कि अंडे को कैसे क्या रोटेट करना है। लगभग 18 दिन तक रोटेट करना है, उसके बाद रोटेट नहीं करना है। अभी देखिए टेम्परेचर कितना फास्ट बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, ये देखिए टेम्परेचर भी लगभग देखिए 37.2 से 37.2 के बीच में अच्छे से सेट हो चुका है। मशीन 37 पे जाती है, बंद हो जाती है, बल्ब बंद हो जाते हैं, फैन चलता है, और फिर से 37.2 पे आके बल्ब ऑन हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे अच्छा हम काम करते हैं, अभी ये अंडे हैं मैंने सैनिटाइज कर दिए हैं अच्छे से, तो अभी इसके अंदर लगा देते हैं। तो देखिए अभी 37.5 और 6 और ये 7 होते ही ये बंद हो जाएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब ऑन है वो बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ओनली एलईडी बल्ब ऑन रहेगा। ये देखिए ये कट हो गया, बल्ब बंद हो चुका है, तो अभी ये जब 37.2 पे आएगा तब ये फिर से बल्ब ऑन हो जाएगा इसके अंदर का, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बल्ब ऑफ हो चुके हैं, अभी ये टेम्परेचर डाउन जाएगा, मैंने खोला है तो ये देखिए बल्ब ऑन हो गई, आप देख सकते हैं टेम्परेचर वगैरह सब सेट है अंदर। थोड़ा इसको जो टेम्परेचर कंट्रोलर वाला है इसको थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा लेट सेट होता है, इसमें थोड़ा धीरे 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 करके बढ़ता है, लेकिन ये बहुत हाई सेंसिटिव है, तो इसका टेम्परेचर जल्दी ये मेंटेन कर लेता है, मतलब जल्दी जल्दी ये जितना टेम्परेचर अंदर रहता है उतना ही टेम्परेचर ये बताता है, और ये धीरे धीरे करके बताता है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सैनिटाइजर वगैरह लगाया है, तो ज़्यादा स्प्रे से ह्यूमिडिटी अभी ज़्यादा बन गई है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होकर 60 से 70 के बीच में आ जाएगी, और बीच में मैं एक बार इनको चेक कर लूंगा। तो चलिए अभी इसके अंदर मैं अंडे लगा देता हूँ। तो पहले तो हम इसको मशीन को ऑफ कर लेंगे फ्रेंड्स, और ये अंडे देखिए फ्रेंड्स, ये सब इसके अंदर सेट कर देंगे, और ये मैंने ह्यूमिडिटी मीटर लगा रखा है फ्रेंड्स। पिछली बार ये मेरे पास था नहीं, मैंने बीच में ही ऑर्डर करके मंगवाया है ऑनलाइन से, और ये सब लगभग सब सामान जो कंट्रोल वगैरह अमेजोन से मंगवाए हैं, और ये बल्ब वगैरह लेके आया हूँ, ये सब मैं मार्केट से लेके आया हूँ। तो ऐसे करके हम इसमें अंडे रख देते हैं फ्रेंड्स सबके सब, और लगभग 20 दिन के बाद में रिजल्ट दे देगा। 21वें दिन तो सभी चूजे निकल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार मेरे को लगभग 17वें दिन से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका था, 17 दिन पूरे होते ही। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अंडे रख दिए हैं फ्रेंड्स, इन पे मार्किंग भी है, और ये देखिए फ्रेंड्स इनको घुमाना कैसे, टर्न कैसे करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
तो लगभग मैं ऐसे ही रखता हूँ, और लगभग सुबह एक बार आप जब उठ जाएं तब इसको उठने के बाद एक बार टर्न कर दें अंडों को, और एक बार रात को सोने के टाइम पे टर्न कर दें। वैसे तो कोई कोई 2 या 3 बार भी टर्न करता है, लेकिन मैंने 2 बार से मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था, तो मैं 2 बार ही टर्न करूंगा, 3 बार टर्न नहीं करूंगा अंडों को। तो टर्न कैसे करना है आप लोग काफी पूछते हैं, तो ये देख लीजिए। एक तो आप ऐसे भी टर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें कोई मसला नहीं है, मतलब कोई वो प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स कि आप इनको कैसे वो कर रहे हैं, मतलब ऊपर का निशान के नीचे आ रहा है, नीचे का निशान ऊपर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो नॉर्मली ऐसे रोटेट कीजिए, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दूसरा आप सिंपली ऐसे रोटेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी चल जाएगा। लेकिन इसमें से एक दो अंडा रह सकता है या फिर एक दूसरे से टकरा के टूट सकता है, तो वो ज़्यादा इंक्यूबेटर अच्छा हो तो उसमें करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अंडे हों उसमें करते हैं। तो मैं करता हूँ फ्रेंड्स वो आपको बता देता हूँ। तो मैं सिंपली ये करता हूँ, ये देखिए, ये इधर रखते हैं मल्टीमीटर। मैं ऐसे करता हूँ फ्रेंड्स, ये नॉर्मली इसको पकड़ के इधर ले गया, मुर्गी भी ऐसे करती है चोंच से, तो मैं वही अपना तरीका अपनाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसको इधर ऐसे गोल गोल घुमा के ले जाना है फ्रेंड्स, ये अंडा घूमना चाहिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे अंडा घूमना चाहिए। तो ऐसे करके लगभग एक बार मैं इस कोने में पूरे सेट कर देता हूँ, और बाद में शाम के टाइम पे इधर कर देता हूँ सब अंडों को, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे को घुमाने में। तो अभी 12 अंडे रखे हैं, चलिए मेरे साथ में ऐसे घुमाने का आपको बता दिया है, ह्यूमिडिटी का बता दिया है कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर का आपको सब बता दिया है। तो और जब भी पानी का लेवल कम हो जाए फ्रेंड्स, थोड़ा कम हो तो कोई बात नहीं है, लगभग 1 या 2 दिन के बाद में अगर आपके पास बड़े हैं तो 1 या 2 दिन बाद में आप पानी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हल्का गुनगुना पके पानी डालना है, 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास का पानी डाल देना है इसके अंदर, ठंडा पानी मत करना है, नहीं तो ह्यूमिडिटी अप डाउन करेगी, तो उससे बच्चे को लंगड़े वगैरह बच्चे पैदा होंगे या बच्चे कमजोर पैदा होंगे, जिससे मतलब अंडे के अंदर मरने का डर रहेगा उनका। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, और मेरे साथ में बने रहिए, और मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिए।